हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। आज की तारीख है 21 अगस्त, अभी 12 बजने वाले हैं, दोपहर का वक्त हो रहा है। लंच करके हम लोग का हो गया, अभी हम लोग का प्लान है जाने का वेस्टफील्ड टेरेसल। तो यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक DJI का शोरूम है। तो आप जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोग को पता रहेगा कि मैंने एक ड्रोन लिया है और उसका मैं देखता हूँ कि एक केस वहाँ पे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अदरवाइज़ जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं कौन कौन सी शॉप्स हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, बस जाके टाइम पास करना है। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं वेस्टफील्ड कैरोसल, अभी जा रहे हैं अंदर और हम लोग को ज्वाइन की है मैडी। मैडी कर रही है फ्यूचर की प्रैक्टिस। तो अभी हम लोग घुस रहे हैं माय सोनी की फेवरेट दुकान। सो नाउ फॉर डैड 4 सितंबर, एक बड़ा सा फ्लास्क मिल रहा है और ये सारी बॉडी डैड का सब कुछ बेसिकली अराउंड अल्कोहल के लिए ये प्रेजेंट्स। और लेट्स गो इनसाइड, हम लोग भी डैड के लिए प्रेजेंट्स मोर कॉकटेल रिलेटेड। तो ये शेकर कितने का मिल रहा है, प्राइस नहीं लिखा है। और ये ब्लेजर गैजमैन, यहाँ का सेल चल रहा है, 25% की छूट है और कितना, $60 का ये छोटा सा कच्चा। और इवन फॉर्मल शर्ट्स कितने कितने की हैं, ये सब $100, 25% डिस्काउंट। ये देखिए यहाँ पे वैन ह्यूजन है, ये देखिए मुझे इंडिया की याद आ गई। यहाँ पे हम लोग लेते थे $90 की यहाँ पे पैंट और शर्ट्स हैं, 25% डिस्काउंट है। टाइप की जब क्लियरेंस सेल चल रही है तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। ये सब ब्लैक लेबल बाय वैन ह्यूजन, 350 की का जो ब्लेजर है वो 180 में मिल जा रहा है। यहाँ पे लिवाइस की भी सेल चल रही है, 25% ऑफ, पर आई थिंक इससे सस्ते हम लोग को मिले थे DFO में जो मैंने पहले कैप्चर किया था। तो ये कितना $90 की पैंट है, शर्ट्स है, $60 की है, तो गुड सेल बट आई थिंक स्टिल प्राइसी। बहुत अच्छा लग रहा है, टॉमी हिल्फिगर का वाइट शूज़। तो सोनी बोल रही है कि मैं ले लूँ इसको, 159 का। अच्छा, ये कुछ तो क्लियरेंस टाइप का होगा माल, तुम ले रही हो। यहाँ पे ये हश पपीज का भी सेल चल रहा है, 25%। तो ये कितने का है, ये 170 का है जूता, बट इसका सेम आर्म विलियम्स के जूता आते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, तो मैं वो लूँगा इंस्टेड ऑफ दिस। और वो मेरे साथ इससे थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, अलग अलग कलर के सेम स्टाइल। मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे क्लियरेंस में भी ये सारे जूते मिल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्राइस काफ़ी अच्छा है, मेरे ख्याल से $100 के आसपास है ये। चेक करो। और तो ये हम लोग ने ट्राई किया है ये वाला, तो आई थिंक क्या बोलते हैं, ले लें। सोनी ने मुझे कन्विंस कर लिया ये वाला लेने के लिए। ये 40% ऑफ है, रिजर्व करके कोई तो ब्रांड है मालूम नहीं मुझे, तो काफ़ी डिसेंट प्राइसेस है, $35 के। और इसकी पैंट कितने की है, पैंट 70, तो नॉट बैड। 10 मिनट हो गया यहाँ पे मुझे सोनी को वेट करते हुए और हम लोग का जूता लेके भाग गया वो। कुछ भी 10 मिनट नहीं हुए, 2 मिनट हुए, वो बॉक्स लेने गया न्यू। अगर आपको एवोकाडो पसंद है तो यहाँ पे एवोकाडो के सॉक्स भी मिल रहे हैं $12 के। यहाँ पे पूरे टॉमी के जूते का सेक्शन है, तो एक ये भी काफ़ी पसंद आ रहा है, 180 का है। मुझे मिल गए हैं जूते और सोनी ने मुझे इसलिए दिलाया ताकि अभी ये आए और पर्स के सेक्शन में और मैं मना ना करूं। तो यहाँ पे देख रही है पर्सेस, यहाँ पे गेस के पर्स हैं, $7-7 के हैं, 60। और ये भी कोई ब्रांड है, ट्रेंट नेथन, 230 के। और जैक और विमेन शूज़ पे भी काफ़ी डिस्काउंट है, 25%। तो यहाँ पे गैस का है, स्केचर्स का हैं। और मुझे याद है हिंदुस्तान में जो पैर का अलाइनमेंट ठीक करने के जूते होते थे वो थोड़े इस टाइप के दिखते थे, बट ये वो नहीं है, ये फैशन स्टेटमेंट है। काफ़ी सारे ब्रांड्स के यहाँ पे बन रहे हैं सनग्लासेस, बर्बरी, वर्साचे और ये है रेबैन। कितने का है, एक का प्राइस देखेंगे तो 278। ले रही हो मैडी, यहाँ पे साइज बैठा। और एक एडवांटेज है कि यहाँ पे सारे परफ्यूम टेस्टर्स और ये सब रखे रहते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं, मेरे ख्याल से भी ये लोग वही ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे।
आधे घंटे हो गए हम लोग टॉयलेट करके हैं और ये लोग अभी भी टेस्ट कर रहे हैं। जो 1 मिलियन है ये मेरे पास भी है, घर में रखा हुआ। वेरी नाइस। ये यहाँ पे ये लोग आए हैं फ्रेंच कनेक्शंस में। तो कितने का मिल रहा है ये सब? 60। यहाँ पे गैस के काफ़ी फैंसी फैंसी वॉचेस मिल रही है और प्राइस भी काफ़ी फैंसी हैं। फिर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे लेदर के ग्लव्स मिल रहे हैं और प्राइस भी ठीक है, $60 का है। साइश और भी ये लोग इस दुकान में, और मैं सोच रहा हूँ कि एक ड्रिंक पीते हैं। तो लेट्स ऑर्डर। जोन फूड टैंक दुकान से जो जापानीज है, मैंने ऑर्डर किया है बाबा टी। और ये अपनी ड्रिंक तैयार। हम लोग का प्लान है जाने का H&M में, डेविड जोन्स एंड H&M। डेंजरस चीज हुई है ये जो दुकान है श्मिगल, उसमें चला गया साइश। लेट्स सी क्या क्या खरीद के लाता है। ये देखें, मुझे याद है इंडिया में मिलता था ग्लिटर वाली जेल पेंस, तो यहाँ पे भी है। यहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा बट ऑब्वियसली ये भी बचपन की याद है। पेंसिल बॉक्स जिसमें बाजू में कैलकुलेटर भी आता है। यहाँ पे बैंक फेस्ट का कुछ तो इवेंट है, तो ये लोग पता कर रहे हैं। कोई टी शर्ट्स लगी भी है, तो मेरे ख्याल से कुछ डोनेशन करो और टी शर्ट मेरा टाइप होगा। तभी हम लोग एंट्री मार रहे हैं H&M में। $15 $20 के मिल रहे हैं, तो सोनी और मैडी देख रहे हैं, मैं साइश को संभाल रहा हूँ ऐसा। सोनी लेने वाली है ये पर्पल कलर की का पैंट $28 का, और उसके साथ मैचिंग ग्रीन कलर की शर्ट। और यहाँ पे काफ़ी सेल लग रही है, $9 के ये सारे ट्रैक पैंट्स हैं, और ये $8 से चालू हुई सारी शर्ट्स और ड्रेसेस। ने ये सिलेक्ट किया अपने मम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझता है अपनी मम्मी को। और H&M में इन लोगों के खुद ही के होम ब्रांड के फ़ोन केसेस और ग्लासेस भी मिलते हैं, काफ़ी सस्ते सस्ते होने चाहिए, देखने से तो ऐसे लग रहा है। मालूम नहीं, प्राइस नहीं लिखा है। पहले हमने एवोकाडो के सॉक्स देखे थे, ये है कीवी और लेमन। साइश ने अपना अपने लिए ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है टी रेक्स की टी शर्ट। साइश डू यू नो शो, और ये हैट। यहाँ पे कुछ तो रिसाइकल टाइप के कपड़े बने हुए हैं, तो क्वालिटी सोनी बोल रही है कि बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग कहीं और जाएं। ये लोग यहाँ भी है एडोर, यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें लग रही है अंदर। ये दुकान है डिजाइनर पर्शियन रग्स, तो यहाँ पे कारपेट्स और रग्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं अंदर, ऑथेंटिक। और ये 8 सीटर यहाँ पे मार्बल डाइनिंग टेबल मिल रहा है 2290, बट नॉट अ बैड प्राइस। बहुत कम शॉपिंग मॉल्स होते हैं जहाँ पे टैटू की दुकान है, और यहाँ पे एक है सेलिब्रिटी इंक, लुक्स क्वाइट गुड, कभी जाके बात कर सकते हैं। साइश यहाँ पे अपना गेम खेलता है वह। यहाँ पे पूरा ये फूड जॉइंट है, फूड कोर्ट, तो काफ़ी सारी दुकानें हैं। सुशी कबाब्स मिल रहा है यहाँ पे, पिज़्ज़ा लुक्स गुड यहाँ पे मिल रही है, बुक्स सेल पे, और सारे पज़ल्स भी हैं। तो देखते हैं यहाँ से कुछ लेना है कि नहीं। सारी वैरायटी है यहाँ पे पज़ल्स की, तो काफ़ी अच्छा टाइम पास होता है, आराम से एक दो दिन निकल जाएगा। ये सब बड़े बड़े जो पज़ल्स हैं 1000 पीसेज, 500 पीसेज, ये सब वाले। तो हम लोग ने लिया है ये 3 पज़ल्स, 3 for $30, क्वाइट चीप। और तो पज़ल तो हम लोग ने ले लिया, अभी साइश और देख रहा है और कौन सी बुक ये ले सकता है। साइश यहाँ पे बैठ के खा रहा है कैंडी, और ये लेटेस्ट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, सोप और बाथ सॉल्ट्स और ये सब। जस्ट लुकिंग अराउंड स्टिल। यहाँ पे सैमसंग का एक स्टॉल लगाया था, यहाँ पे जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उन लोग के फोल्ड 2 सब डिस्प्ले पे है। क्योंकि हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से चालू किए थे, तो मैंने इस दुकान से पी थी बाबा मिल्क टी, बहुत ही अच्छी थी, ये है नाम इसका। और तो शॉपिंग वॉपिंग करके अभी हो गई है, अभी वी आर ऑन अ वे आउट। थोड़ा लोचा हो गया था अंदर, हम लोग घूम गए थे, बट एट लास्ट 15 मिनट वॉकिंग के बाद गाड़ी मिल गई। और अभी यहाँ पे कैरिंगटन में आई हैं, तो हम लोग आए हैं ओम स्वीट हाउस। यहाँ पे पिछली बार अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग यहाँ पे आए थे, कुलचा खाए थे और चाट खाए थे, तो आज हम लोग पैक करा रहे हैं टेक अवे फॉर डिनर। ओके, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आए कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बाय।